नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बीजेपी सरकार और भगवंत मान सरकार पर कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खेरा ने निशाना साधा है और उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी और भगवंत मान सरकार की गलत और किसान विरोधी नीतियों के कारण पंजाब के किसानों की स्थिति खराब है। बेनती यह करना चाहता सीगा कि कल ठीक सवेरे 10 बजे दिन मंगलवार 29 अक्टूबर आपां एक नडाला विखे धरना रखिया होया जिहड़ा किसानां दी बहुत शोषण होया, लुट हुई, 100 रुपए तो लैके 200-300 रुपए प्रति क्विंटल, वैसे तो सारे पंजाब दे विच लेकिन अपने हलका भलत्थ विच भी कटौती लगी है, उन्हां नूं रेट घट मिल रहा वा। इस करके किसान पिछले 29 दिन तो 28-29 दिन तो सरकारी खरीद च परेशान होए ने, हताश होए ने। मंडियां भरिया पईआं ने, मंडियां चों एक भी बूरा चज नाल लिफ्ट नहीं किया सरकार ने, बारदाना ने दिता। आड़ती ये अपनी जगह पर परेशान ने क्योंकि कुल सारी फसल जिहड़ी आ उहनां दी अमानत आ। बड़ाला ऐसा गांव जहां 1947 में पंजाब के विभाजन के दौरान दो भाई अपने परिवार से बिछड़ गए थे और 77 साल बाद फिर से मिलने वाले हैं। कहानी एक ऐसे परिवार के बारे में है जिसमें एक मुस्लिम लड़का मोहम्मद शफी को अपने परिवार से अलग होने के बाद उभरते पंजाब में एक सिख परिवार ने गोद लिया था जो 77 साल मिलने वाले हैं। बता दें कि दूसरा भाई अब ननकाना साहिब पाकिस्तान में है और दोनों ही व्हाट्सएप के माध्यम से बातचीत हुई है। ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੱਲ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਵਿਛੜੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸੀਗੇ? ਇਹ ਜੀ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ 8-9 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਬਾਪੂ ਦੇ ਨਾਲ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਪਣਾ ਬਣਿਆ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਵੱਢ ਫੱਟ ਹੋਈ ਜਦੋਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਢ ਫੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੀ ਭੱਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਿਛੜ ਕੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਉੱਧਰ ਲੰਘ ਗਏ। ਮੈਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਉੱਤੇ, ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਨੈਕਟਿਡ ਯਾਦਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹਨੂੰ ਰੈੱਡ ਕਲਿਫ ਲਾਈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਬੰਦਾਲਾ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੀ ਮਿਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਲਿੱਤੇ। ਕੁਛ ਦੇਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਬੱਚੇ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬੁੱਲੋ ਕੇ ਪਿੰਡ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ੀਰਾ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ? ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੀ? ਪਹਿਲੋ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਫੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਬੁੱਲੋ ਗਏ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਛੋੜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲੋਂ? ਵਿਛੋੜਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ ਤੇ ਮੁਲਕ ਭੱਜ ਉੱਠਾ, ਅੱਗੇ ਨਹਿਰਾਂ ਸੀ, ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਛਾਲਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਡੁੱਬਦਾ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਨਿਕਲਾਇਆ ਕੋਈ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨਿਕਲਾਇਆ ਕੋਈ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤੇਰੀ 9 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋਈ, ਮੇਰੀ 13 ਸਾਲ ਹੋਈ। दिवाली का त्यौहार जहां देश विदेश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, वहीं दिवाली के इस पवित्र त्यौहार को मिट्टी के दियों से भी रोशन किया जाता है और ये मिट्टी के दिए बड़ी मेहनत और से जो है तैयार किए जाते हैं। अमृतसर स्थित घुमियारा मोहल्ला में रहने वाले परिवार एक दिन में करीब 50,000 मिट्टी के दिए तैयार करते हैं। ये मिट्टी के दिए पंजाब सहित पंजाब के अलग अलग जिलों में भी तैयार किए जाते हैं। अन्य राज्यों में इन मिट्टी के दियों को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है और जिस तरह से आधुनिक समय में इन मिट्टी के दियों का निर्माण करने वाले परिवारों का चलन बढ़ा है, मिट्टी के दिए बनाने वाले कारीगरों का कहना है कि वे दिवाली से कुछ महीने पहले ही जो है मिट्टी के दिए बनाना शुरू कर देते हैं और उन्हें पहले से ही ऑर्डर मिल जाते हैं जिसके बाद पूरा परिवार दिए बनाने में लग जाता है। बाजारों में चीनी सामान आने के कारण उनका काम बंद हो गया है। तो चाइनीज सामानों के आगे मिट्टी के दियों की चमक
और रोशनी फीकी पड़ती नज़र आ रही है। जिस तरीके से मिट्टी के दीपक बनाने वालों ने बताया कि जिस तरीके से चाइनीज सामान में जो है बाज़ारों में रौनक नज़र आती है, लोग चाइनीज़ प्रोडक्ट की तरफ जो है ज़्यादा इंटरेक्ट होते हैं और उसकी वजह से जो है कहीं ना कहीं मिट्टी के दीपक बनाने वालों की आमदनी और उनकी रोशनी की चमक जो है फीकी नज़र आती है। ये 60 साल होगी मुझे। तो अगर 30 साल की पहले की बात करें तब दिवाली कैसे होती थी और अब दिवाली कैसे, कितना फर्क? बहुत ज्यादा फर्क हो गया, दूसरा माल चल गया ना मिट्टी का, इसमें ज्यादा फर्क हो गया। मेहनती नहीं मिलती हमको, कोई ध्यान ही नहीं देता हमारे तरफ। छोटे छोटे बच्चे भी संभालने, पढ़ने लिखने भी जाना, क्या करना, सारा काम तो करना है। मेरा पति भी नहीं है सिर पे, डेथ होगी उसकी। अगर बात कीजिए मिट्टी कहाँ से लाती हो आप? मिट्टी गाँव से, खेतों में से आती है मिट्टी। मिट्टी भी महंगी आती है। हम जन्म से ही कर रहे हैं ये काम। तो क्या हालात कैसे हैं? पहले चाइनीज दीवे, चाइनीज लड़िया नहीं होते थे, पर अब चाइनीज उसकी मार पड़ी है, थोड़ी बहुत ही लगती है उसकी मार भी, काफी असर पड़ा उसका भी, काफी असर पड़ा। कितने दिन हो गए दीवे बनाने शुरू किए? हमें 2 महीने हो गए लगे को, सारा माल बनाते बनाते। तो बाहर भी जाता है कहीं माल? हाँ बाहर भी जाता है। कितना ऑर्डर आ रहा है इस बार? ऑर्डर तो जितना आता है उतना भुगता देते हैं बस। जिला भटिंडा के गांव बुर्ज सेमा में लड़ाई के चलते गांव के सर्वसम्मति के साथ बने पंचायत मेंबर के सिर पर तेजधार हथियार मारकर हत्या कर दी गई। मृतक के परिजनों के बयान पर 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है, जबकि तीसरे की तलाश की जा रही है। बता दें कि मृतक जगतार सिंह के पारिवारिक मेंबरों का गांव के ही कुछ लोगों के साथ मामूली बात को लेकर झगड़ा हो गया था। झगड़ा ने जो है उस समय खूनी रूप धारण कर लिया जब आरोपियों ने मृतक जगत सिंह के सिर पर हमला कर दिया, जिसके बाद वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया लेकिन वहां उसकी मौत हो गई। मामूली विवाद के चलते तेजधार हथियार मारकर हत्या की गई है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। बठिंडा से ये मामला सामने आया है जहां पर मामूली विवाद के चलते जो है तेजधार हथियार से सिर पर वार कर जो है हत्या कर दी गई, जिसमें पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई। पत्रकार साहब, ये परिवार का दोनों का आपसी खून वाला रिश्ता सीगा जी, कट्ठे बंदे फैक्ट्री च काम करदे सीगे जी, कोई माड़ी मोटी गल नूं लैके जी कोई तू तू मैं हो गई जी, ते मन के चलो भी एड्डी तां लड़ाई दोवें तरह ने मन्नी नहीं सी भी जिड्डी, मन के चलो बई जगतार की डैथ हो गई जी। बाकी जी हुण पुलिस जांच कर रही है भी किहड़े किहड़े बंदे उहदे विच इनवॉल्व आ, उहनां नूं परिवार वल्लों भी बेनती है ते मेरे वल्लों भी बेनती है भी प्रशासन नूं भी सख्त तो सख्त सज़ा दित्ती जावे। पर बंदे उहदे विच प्रशासन ने भी इन्हां नूं भी बेनती कीती ते मेरी भी प्रशासन नूं बेनती बंदे उहदे विच इनवॉल्व उही होण जिहड़े बंदिया ने बई उह कम्म करिया। बुरज सिमे कोई हुई है लड़ाई, उहदे च आपस च लड़न करके 2 धिरां दे इक दे सट वज्जी, एम्स च दाखल सीगे फिर डैथ हो गई। उहदे की कारवाई कीती हुण तक? परचा दर्ज होए 55 नंबर ਦੀਨਦਾਰਾ 103 BNS ਜਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ PS ਕੋਟ ਫਤਾ। PS ਕੋਟ ਫਤਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਲੜਾਈ ਦਾ, ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਉਹ ਆਪਸ ਚ ਸੀ ਕੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਾਮੂਲੀ ਤਕਰਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ? ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਨੋ ਮਿੱਠੂ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਵਗੈਰਾ? ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਸਾਬਕਾ ਕੋਈ। ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਸਪੈਰੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਦੇ ਉਹਨੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਮੁੰਡੇ ਨੇ।
ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਦੇ ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ ਦੁਕਾਨ ਕਿਨੂੰ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੜਕਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਡੇ ਕਵੇਲੀ ਆ ਬੱਚਾ, ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਐਂ ਲੜਕਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਮਨ ਚਲੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰਾ। ਅਤੇ ਇਕੱਠ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮੰਨ ਚਲੋ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ। ਇੱਕ ਮੈਥੋਂ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸੀ ਵੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਇੱਕ ਉਹ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਚਲੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁੱਟੇ ਬੰਦਾ ਤੁਰਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। खबर फिरोजपुर से है जहां डिप्टी कमिश्नर के आदेशों के बाद बाजारों में पटाखों की आपूर्ति के दावे पुलिस अधिकारियों को क्यों नजर नहीं आ रहे, लेकिन जमीनी स्तर पर कार्रवाई देखी जाए तो स्थिति शून्य की जा रही है। साथ ही प्रशासन उपायुक्तों के आदेशों का पालन करता है और अपनी मनमानी करता दिख रहा है। आखिर क्या डिप्टी कमिश्नर द्वारा जारी आदेश कागज का टुकड़ा बनकर रह जाएंगे? बिक्री पर तो रोक लगा दी गई है, लेकिन पुलिस सब कुछ देखकर भी अनजान बनी हुई है। तो डिप्टी कमिश्नर के आदेशों के बाद भी जो है बाजारों में पटाखों की आपूर्ति के दावे जो हैं किए जा रहे हैं और बिक्री पर रोक लगा दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी पटाखे लगातार बिकते हुए दिखाई दे रहे हैं। जमीनी स्तर पर कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही है। दावे ये भी किए जा रहे हैं कि जमीनी स्तर पर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है, क्या जो कार्रवाई है वो सिर्फ कागजों में सिमट कर रह गई है। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਡੀ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਪਟਾਕੇ ਲੱਗਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲੋਟ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸ ਐਚ ਓ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਜੀ ਓ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਮਾਂ ਜੋ ਡੀ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਟਾਕੇ ਵੇਚਣ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਟਾਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਗਟਾਉਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਡਰੋ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਮੈਂ ਐਸ ਡੀ ਐਮਸ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸ ਡੀ ਐਮਸ ਆਪਣੇ ਡੀ ਐਸ ਪੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਐਸ ਐਚ ਓ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੋਡਾਊਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੈਂਪੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਸ ਡੀ ਐਮਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਮਾਰਕੀਟ ਈ ਓ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਐਨ ਓ ਸੀ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਨੇ। ਨੰਬਰ ਇੱਕ, ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣੇ ਹੈ, ਉਹ ਡਰਾਫਟ ਲੋਟਸ ਰਾਹੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 20 ਦੇ ਲਗਭਗ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋਏ ਆ ਇਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ 20 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ। ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ 4 ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਡਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੋਰਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਮਮਦੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀ ਐਸ ਐਫ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ 'ਚ ਓਪਨ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਿਰਫ 4 ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਟਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। उधर पंजाब से भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए पंजाब सरकार द्वारा अलग अलग अभियान चलाए गए हैं और विजिलेंस पंजाब की ओर से भी कई कार्रवाई की गई है। बता दें कि पंजाब सरकार की यह मुहिम फेल होने लगी है और इसी के चलते आज फिरोजपुर एसएसपी कार्यालय में विजिलेंस ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह के तहत एक कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें सभी कर्मचारियों को शपथ दिलाई गई। वे न तो रिश्वत लेंगे और न ही रिश्वत देंगे। विजिलेंस द्वारा आज फिरोजपुर के एसएसपी कार्यालय में एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। जानकारी देते हुए एसएसपी विजिलेंस गुरमीत सिंह ने बताया कि पंजाब सरकार के निर्देशानुसार विजिलेंस द्वारा भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए एक शिविर का आयोजन किया गया।
जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के तहत शपथ भी दिलाई गई। तो इस आयोजन में शपथ भी दिलाई गई। ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੋਟੋ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਥੀਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਲਚਰ ਆਫ ਇੰਟੈਗਰਿਟੀ ਫਾਰ ਨੇਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਗਰਿਟੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਕਤੀ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਸੰਕਲਪ सुखपाल सिंह खेरा ने किसानों की समस्याओं को लेकर कहा कि बीजेपी सरकार और भगवंत मान सरकार की गलत और किसान विरोधी नीतियों के कारण पंजाब के किसानों की कठोर वास्तविकता सामने आई है। ये करना चाहता सीगा कि कल ठीक सवेरे 10 बजे दिन मंगलवार 29 अक्टूबर आपा एक नडाला विखे धरना रखा होया जिहड़ा किसानों की बहुत शोषण होया लुट हुई 100 रुपए तो लैके 200-300 रुपए प्रति क्विंटल वैसे तो सारे पंजाब दे विच लेकिन अपने हलका भलथ विच भी कटौती लगी है उन्होंने रेट घट मिल रहा वा इस करके किसान पिछले 28-29 दिन तो सरकारी खरीद च परेशान होए ने हताश होए ने मंडियां भरिया पईयां ने मंडियां चों एक भी बूरा चज नाल लिफ्ट नहीं किया सरकार ने बारदाना ने दिता आड़ती ही अपनी जगह पर परेशान ने क्योंकि कुल सारी फसल जिहड़ी आ उहनां दी अमानत आ। उधर कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस के दादा सरदार दर्शन सिंह बैंस की मृत्यु हो गई जिससे हरजोत सिंह बैंस को गहरा सदमा लगा है। मौत की सूचना से पूरे इलाके में मातम छा गया। वहीं बड़ी संख्या में लोग हरजोत सिंह बैंस के घर पहुंचे और लोगों की मौजूदगी में दर्शन सिंह का अंतिम संस्कार किया गया। उधर नवजोत सिंह सिद्धू के पूर्व पॉलिटिकल एडवाइजर मालविंदर सिंह मली की गिरफ्तारी के बाद कई जगहों पर अन्य तरीकों से रोष जाहिर किए जा रहे हैं। वहीं बठिंडा में भी पत्रकार भाईचारे की ओर से काली पट्टियां बांधकर रोष जाहिर किया गया और कहा कि मालविंदर सिंह मली की गिरफ्तारी होना गलत है। नवजोत सिंह सिद्धू के राजनीतिक सलाहकार हैं मली जिनकी गिरफ्तारी पर रोष जाहिर किया गया है। पत्रकार भाईचारे की ओर से रोष जाहिर किया गया है जिसमें कि काली पट्टी बांधकर इन्होंने ये रोष प्रदर्शन किया है और साथ ही साथ उन्होंने इस गिरफ्तारी को गलत ठहराया है। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾੜਾ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਾਇਆ ਹੈ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੀ ਚਿਹਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਕਸ ਪਏਗਾ ਉਹੀ ਦਿਖੇਗਾ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਚੰਗਿਆਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਗਿਆਈ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰੇ ਪਰੰਤੂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ
सरकार की जी है प्रशंसा की जाती है तो सरकार उस गलते खुश है, परंतु जेकर सरकार की सेहतमंद आलोचना की जाती है तो उस जी सरकार है वो इस गल बर्दाश्त नहीं करती। इशू यह है कि मालविंदर सिंह माली ने बिल्कुल झूठे केस के गिरफ्तार किया पंजाब की पुलिस ने, और मैं समझदा कि आम आदमी पार्टी की सरकार जी लोकतंत्र की गल कर किसी भी लोकतंत्र वाले हथियार के नाल ही सत्ता चाहिए। लोकतंत्र वाला हथियार के जो इन्होंने जनता मंत्र मोर्चा लाया करप्शन के खिलाफ वो पार्टी पैदा हुई थी, पार्टी जी है इस वे खड़ के लोगों को बंद कर रही है। ये सिर्फ माली को बंद करने का सवाल नहीं, जी है लोकतंत्र प्रणाली में तहस नहस करने वास्ते आने वाले दिनों के जी प्रेस की आजादी के उत्ते जो छापे बजने वह संकेत है। धान की फसल की कटाई के बाद कई किसान पराली को आग लगा रहे हैं, जिससे आसमान में धुआं छाया हुआ है और वातावरण खराब हो रहा है, जिसके चलते सख्त आदेशों के बाद पंजाब के जिला फिरोजपुर में पुलिस भी पेट्रोलिंग कर रही है। और जहां किसानों ने धान की फसल की कटाई के बाद पराली को आग लगाई है, उसको पुलिस खेतों में जाकर बुझाती हुई भी दिखाई दे रही है। वहीं एसपीडी रणधीर कुमार ने किसानों से अपील की है कि खेतों में पराली को आग न लगाई जाए, और उन्होंने कहा कि सैटेलाइट के डाटा के अनुसार अब तक पराली जलाने के करीब 150 मामले दर्ज किए जा चुके हैं, जिनके ऊपर आगे कार्रवाई की जा रही है। मानजोग एसएसपी फिरोजपुर सौम्या मिश्रा वालों जो निर्देश है, जिहड़ी हर थाने की पुलिस टीम है वह पेट्रोलिंग करती है पिंड च जाके कि जड़ा पराली जे कोई सार रहा है तो उन्होंने अवेयर किया जाए कि पराली जड़ा ना सारो, तो जड़ा खेतीबाड़ी महकमा वालों जड़ा मशीन दिता गया है वह मशीन का इस्तेमाल करो पराली का निपटारा करन हेत। पर जे फिर भी कोई नहीं मानता है तो जबरदस्ती पराली सारदा है तो उसके कानून मुताबिक जी कार्रवाई भी करन दा जड़ा हैगा वह हुक्म है। जब थाना गुरहर साहिब पिंड सैडे के मोहन विच एसएचओ गुरहर साहिब की टीम पेट्रोलिंग कर रही थी, अमृतसर के प्रसिद्ध गोल बाग में सुबह करीब 11 बजे एक पुलिस होमगार्ड संतोष पाल सिंह ने अपनी ही बंदूक से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। लोगों ने मौके पर पुलिस को सूचना दी और जिसके बाद पुलिसकर्मी वहां पहुंचे। इस मौके पर एसएचओ सुखविंदर सिंह ने कहा कि होमगार्ड का जवान संतोष पाल सिंह काफी लंबे समय से बीजेपी नेता बलविंदर बब्बा के यहां ड्यूटी कर रहा था। इसके साथ ही एसएचओ ने अमृतसर के रहने वाले जवान के परिवार को सूचित कर दिया है। वहीं जांच अधिकारी ने जांच शुरू कर दी है। अज सानू ना पौने के 11 बजे इनफॉर्मेशन आई है भी कोई पुलिस का जवान गोलबाग ने अपने आप नूं गोली मार ली है तो उन्हें खुदकुशी कर ली है। अं फिर मौके पर पहुंचे हाँ, जिहड़ा अं आके वेरीफाई किया साढ़े होमगार्ड का जवान है जी संतोष पाल, तो बाकी अं वेरीफाई कर रहे हूँ की गलबात है। इन्हें अज पौने 11 बजे अपने आप नूं अपने जिहड़ा हथियार इशू है सरकारी उहदे नाल गोली मारी है। ये लोकल अमृतसर का ही रहने वाला जी, ड्यूटी कित्थे करदे सी? ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਗਨਮੈਨ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਬੱਬਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਇਤਨਾ ਹੀ, ਨਮਸਕਾਰ।